नमस्कार मेरे मित्रों, आपका स्वागत करता हूँ आज की सुपर सीरीज़ में। क्लास 8 चैप्टर 5 से शुरू करने जा रहे हैं हम ज्योग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आगामी परीक्षाओं में आए दिन पूछे जाते रहते हैं। आशा करता हूँ कि आपको सीरीज़ पसंद आ रही होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में बताएं, उपयोग करें और इस प्रचार को फैलाएं। धन्यवाद मित्रों, आशा करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं कि आने वाले सत्रों में हमने कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखे थे। वन लाइनर्स भी मिलेंगे आपको, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे जो आगामी परीक्षाओं में आए दिन डायरेक्ट उठा लिए जाते हैं। जी हाँ, हमारे सामने आ गया है कि रेल के डिब्बे कपूरथला में बनाए जाते हैं। जी हाँ, कपूरथला पंजाब में है जहाँ मैं जा चुका हूँ। यहाँ पर स्टेशन तो नहीं है लेकिन डिब्बे ज़रूर बनाए जाते हैं। जी हाँ मित्रों, नेट पे भी आप सर्च कर सकते हैं कि कपूरथला नाम का कोई स्टेशन नहीं है इंडियन रेलवेज में, लेकिन यहाँ पे लुधियाना जालंधर उतर के यहाँ से जाया जाता है। जी, सीमेंट के लिए और डिब्बों में, रेल के डिब्बों में भी हमने देखा काफ़ी जगह कपूरथला लिखा रहता है, तो रेलवे के एग्जाम के लिए काफ़ी अहम क्वेश्चन निकल गया। सीमेंट के लिए चूना पत्थर कच्चा माल है। रांची में भारी मशीन बनाने का कारखाना है। कहवा फल से प्राप्त किया जाता है। जी हाँ मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं कि और क्या देखते हैं। क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं, काफ़ी अहम क्वेश्चंस है ना। चैप्टर 9 प्राकृतिक प्रदेश इनव जीव जब जीवन एक क्लास एट ज्योग्राफी की सीरीज का अंतर्गत है। देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो ऐसे ही झांटना है कि हम ऊपर ऊपर से देख सकते हैं क्वेश्चन को। अब निकल के आए, रूस में घास के मैदान को स्टेपी कहते हैं। एक ट्रिक बनाए थे कि स्टेप्स पर चढ़कर भगवान बुद्ध एशिया में आए थे, तो स्टेपी है जो वह एशिया में पड़ता है, लेकिन ये काफ़ी विवादित भरा भी है। रूस के घास के मैदान को भी स्टेपी कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के घास के मैदान में प्रेरी है। अभी ये अमेरिका में क्या क्या लोग ज़्यादा हैं, क्रिश्चियंस लोग ज़्यादा हैं, तो क्रिश्चियन क्या करते हैं, क्रिश्चियन प्रेयर करते हैं, तो इसलिए प्रेरी कहाँ है अमेरिका में है। भूमध्य सागरी प्रदेश महाद्वीपों में पश्चिमी भागों पर पाए जाते हैं। अर्जेंटीना में घास के मैदान को पंपाच कहते हैं। इसका ट्रिक बनाया था कि अर्जेंट पंप भरो, तो अर्जेंटीना से अर्जेंट है और पंप से पंपाच। ठीक है मित्रों, भूमध्य सागरी प्रदेश में अधिक वर्षा होती है, जहाँ का ताप अधिक होता है वहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है। वन लाइनर भी ले सकते हैं, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में निकल कर आया। भूमध्य सागर प्रदेश में जाड़े में वर्षा क्यों होती है। यहाँ पर पछुआ हवाओं के चलने से शीत ऋतु में वर्षा होती है। एग्जाम जाने से पहले एक बार मैप को जरूर देख लीजिएगा। स्थायी एवं अस्थायी पवनों की प्रकृति जान लीजिएगा। घास प्रदेश में दुग्ध व्यवसाय क्यों विकसित है, क्योंकि बड़े बड़े घास के मैदान होने पर पशु चारा आसानी से उपलब्ध हो जाता है। मित्रों, अभी क्वेश्चनों पर ना पढ़ते हुए, अपना समय ना बर्बाद करते हुए, बिल्कुल अहम अहम क्वेश्चन छाँटेंगे हम लोग, ताकि एग्जाम में काफ़ी मदद मिल जाए। चैप्टर 10 आ गए हैं, प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन 2। तो इसमें काफ़ी अहम दिए थे कि मानसूनी प्रदेश में एशियाई देश, उसके नाम आप देख सकते हैं, आप कहीं से पढ़ सकते हैं, भारत श्रीलंका और आप पढ़ लेंगे। मानसूनी प्रदेश का नाम कैसे पड़ा, मानसूनी ऐसे पड़ा कि मौसम पवनों द्वारा वर्षा से मानसून पड़ गया। मानसून अरबी भाषा का शब्द है। मानसून से वर्षा अधिक होती है। मानसून प्रदेश फसलें दाल चावल कहवा गन्ना जूट कपास जितनी भी रस भरी फसलें हैं वो सब ऐसा जान लीजिए कि मानसून मतलब बारिश आता है, तो बारिश के पहले जिन फसलों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जैसे हो गया हमारी कितनी फसलें हैं, दाल चावल कहवा गन्ना जूट कपास गेहूँ जौ चना आदि, इन सब फसलों में क्या होता है कि पानी की मात्रा अधिक लगती है, इसलिए मानसूनी मौसम आने से पहले ही इनको बो दिया जाता है ताकि अच्छे से ये लोग ये फसलें उग सकें। मतलब जिन फसलों को पानी की मात्रा कम पानी में भी या अधिक पानी लगता है, क्योंकि पानी अधिक लगेगा तो मानसून में पानी मिलता ही रहेगा, तो ये मानसूनी वर्षाएँ होगी। चलिए, आपके समय में बात करते हुए आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं मार्क करता हूँ। मैं आ गए हैं, मानसूनी प्रदेश महाद्वीपों के पूर्वी तट पर स्थित है। मानसूनी प्रदेश में पशुपालन के लिए जलवायु उपलब्ध है। मानसूनी प्रदेश की कृषि बहुत कुछ वर्षा पर निर्भर होती है। मानसूनी प्रदेश में अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। पश्चिमी यूरोपीय तुल्य प्रदेश में शीतकाल में अधिक वर्षा होती है। सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश में वसंतकालीन गेहूँ की विस्तृत कृषि की जाती है।
संसाधन चैप्टर आ गया है मित्रों, रिसोर्सेस। अब इसमें से रिसोर्सेस में से देखिए कि पुल एक मानव निर्मित संसाधन है, उपजाऊ भूमि प्राकृतिक संसाधन है, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन अब 11 आपदा एवं आपदा प्रबंधन चैप्टर 11 पे आ गए हम लोग। अति महत्वपूर्ण सीरीज है, तो इसमें काफ़ी सीरीज महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को शामिल किया जा रहा है, तो समय ना बर्बाद करते हुए आगे आगे वाले हम पढ़ते हैं। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। आकाशीय बिजली का गिरना प्राकृतिक आपदा है। संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया। यह मित्रों 2004 में सुनामी भारत में सुनामी आई थी, उसी के बाद से ये प्रबंधन चालू हुआ 2005 में। आपदा पुनर्वास आपदा के उपरांत की अवस्था है, इसीलिए कहा गया प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर है, कि आप प्रिवेंशन बनाए रखिए, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते रहिए, साथ साथ पढ़ते भी रहिए मित्रों। जी हाँ मित्रों, हौसला बनाए रखिए। अर्थव्यवस्था एवं मानव संसाधन से क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है, जो मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% हिस्सा निवास करता है। उत्तर प्रदेश में खेल के सामान का उद्योग मेरठ जनपद में है। जी मेरठ में काफ़ी खेल के सामान बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में बागसाइड चित्रकूट जनपद में पाया जाता है। बागसाइड चित्रकूट, जी हाँ मित्रों, चित्रकूट मध्य प्रदेश से लगा हुआ है बागसाइड, और हमने जाना है कि इंडिया में सबसे अधिक बॉक्साइट उड़ीसा में पाया जाता है, जिससे एलुमिनियम बनता है, और चित्रकूट भी है जो उड़ीसा से काफ़ी पास में पड़ता है, इसलिए उड़ीसा लगा देंगे। यूपी स्पेशल जीके में आता है। उद्योग बंद योजना का आरंभ 1981 में हुआ था। जी हाँ, रिवाइज करते रहिए, अहम क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, और आपका वीडियो बार बार देखना पड़ेगा ताकि रिविजन में कोई झंझट ना हो, और उसे देखते रहिए, पढ़ते रहिए, उत्साहित रहिए, उत्साह बढ़ाते रहिए, मेरा भी और अपना भी और अपने रिश्तेदारों का भी मित्रों। जी हाँ, अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल कर आए हैं मित्रों। कृषि कार्य में कृषि के साथ साथ पशुपालन को शामिल किया जाता है। गन्ना भारत की नकदी फसल है, कमर्शियल क्रॉप्स में आता है। गन्ना जो भी हम खेती करते हैं और जो बेचने के लिए जो क्रॉप्स उगाते हैं, उन्हें नकदी फसल कहा जाता है। जी मित्रों, चावल के लिए अधिक गर्मी तथा अधिक पानी की आवश्यकता होती है। देखिए मित्रों, मैंने कहा था कि मानसूनी फसलें हैं, अधिक पानी की आवश्यकता हो रही है चावल, तो इसलिए वर्षा के पहले ही इसकी फसल लगाई जाएगी, समझे। खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई और शीत ऋतु में प्रारंभ में काट ली जाती हैं। जी हाँ, ये खरीफ फसलें हैं जो इनको पानी की अति आवश्यकता होती है, इन्हें मानसूनी फसलें भी कहा जाता है। भारत की सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन नहर है, जैसे कि हम लोग जानते हैं नहर से काफ़ी कुछ जुड़े होते हैं, हमारे गाँव गली मोहल्ले भी सिंचाई के काफ़ी सघन कार्य होते हैं। एक दो लघुत्तरी क्वेश्चंस भी फैक्ट बेस पे हम ले लेंगे कि लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं। लौह अयस्क होते हैं 4 प्रकार के, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट, जिसमें से मैग्नेटाइट है जो सबसे उच्चतम गुणवत्ता का लोहा माना जाता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे मित्रों, महेलीसी, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट। भारत में मैग्नीज के 2 प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। मैग्नीज पूछा है मित्रों, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये दो मैग्नीज उत्पादन देश हैं। और थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिए, एलिमिनेशन में भी आपका हाथ आगे निकल सकता है, जैसे दो चीज़ आपकी अच्छी हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन आ गए हैं। जी मित्रों, खनिज पदार्थों को धरातल से खोदकर निकाला जाता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। उच्च ताप की भट्टियों में निर्माण में बॉक्साइट धातु का प्रयोग होता है। हीरा मध्य प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है। हीरा पन्ना खान से, जो वहाँ पे काफ़ी अच्छा हीरा प्राप्त होता है। क्लास 7 मानव संसाधन की ओर बढ़ चुके हैं हम लोग। मानव संसाधन के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे क्या क्या हम पढ़ सकते हैं इसमें, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जी हाँ, देखिए मानव संसाधन में से बन रहे हैं क्वेश्चंस। विश्व में चीन के बाद सबसे अधिक जनसंख्या भारत की है। जन्मदर एवं मृत्युदर के परिवर्तन होने के कारण जनसंख्या में परिवर्तन होता है। भारत के नगरों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। भारत में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक है। सबसे ज़्यादा तो हरियाणा राज्य है, जो इसमें लिंग अनुपात दर सबसे अधिक है। अब चैप्टर यातायात, व्यापार एवं संचार पे आ चुके हैं हम लोग। अब इसमें देखते हैं कुछ क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं मित्रों, जिन पार्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से
हमारे काफ़ी काम आएंगे। चलिए निकल कर आ गए हैं क्वेश्चन से कि रेल मार्ग व सड़क मार्ग बनाना सस्ता व सरल है मैदानों पर। सबसे तेज चलने वाला यातायात के साथ हवाई जहाज पाकिस्तान जाने के लिए सबसे उपयुक्त बंदरगाह कांडला। कांडला गुजरात में पड़ता है तो ये सबसे उपयुक्त है। दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निम्नलिखित में से कौन संचार का साधन नहीं है? हेलीकॉप्टर। चैप्टर चार पे आज शक्ति के संसाधन में देखेंगे क्या कुछ निकल के आते हैं हमारे में। जी हाँ, तो इसमें वन लाइनर्स भी हम लोग ले सकते हैं और इसमें निकल के आया कि नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। एक एक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते जा रहे हैं। धन्यवाद मित्रों, ये सीरीज़ खत्म हो चुकी है। आशा करता हूँ आपको ये धन्य सीरीज पसंद आया हो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।